नमस्कार दोस्तों, मैं भोपाल से डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से बोल रहा हूँ। ये मेरे पास मेरी सामने टीवी आया है LG का 32 इंची, इसमें क्या प्रॉब्लम है अपन देखते हैं। इसमें अगर वचन देना था, इसमें प्रॉब्लम ये है कि पिक्चर आती है 1 सेकंड के लिए, इसके बाद चले जाए। देखो ये LG का मॉडल LG 32 LD 310। ये इसका मेन बोर्ड है, ये इसकी पावर सप्लाई है, कॉम्बो पावर सप्लाई है, इसी में इन्वर्टर भी है। ये इन्वर्टर है इसके लिए, CFL के लिए सप्लाई दी है, बैकलाइट के लिए। प्रॉब्लम क्या हो रहा है इसमें, CFL के लिए प्रॉपर वोल्टेज नहीं हो रहा है, ये वोल्टेज अपन को लगाना है। पहले अपन ग्राउंड करते हैं इसको, रॉड को। ये ग्राउंड करते हैं, देखो इन्वर्टर को यहाँ कहीं वोल्टेज नहीं आ रहा। ये आउटपुट ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं, यहाँ से कोई वोल्टेज आउट नहीं हो रहे हैं। प्राइमरी पे वोल्टेज आ रहे हैं, सेकेंडरी से आउट नहीं हो रहे। इसको पावर सप्लाई को अपन खोल के देखते हैं। इसको ये CFL लगी हुई है इसके अंदर, ये इसके कनेक्शन है, ये ट्रांसफार्मर है, ये ट्रांसफार्मर से आउट होते है। अब कितनी CFL लगी हुई है ये देखते हैं अपन। देखिए यहाँ पे ये चार्ट दिया हुआ है, इसकी जानकारी देखिए अपन। बताइए ये करीब ले जाके इसको चार्ट को स्पष्ट देखना चाहिए। कितनी CFL है ये अपन मिलते हैं, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ, नौ CFL लगी हुई है इसमें। और नौ CFL के लिए कितने वोल्टेज की जरूरत है, यहाँ पर लिखा हुआ है 1050 वोल्ट, ये आने चाहिए। ये एसी वोल्टेज आएंगे 1050, ये देखना गौर से। देखो इसका फॉल्ट कई जगह से होता है, PSON ऑन सिग्नल ना आए तब भी ये प्रॉब्लम पैदा होती है, 1 सेकंड के लिए आए और चला जाए, GPS सिग्नल आते हैं और चले जाते हैं तब भी ये प्रॉब्लम होती है। कभी कभी क्या होता है, यदि इसके ड्राइवर काम नहीं करें, ड्राइवर शॉर्ट हो जाते हैं तब भी ये कंडीशन होता है, स्पार्किंग करते हैं ड्राइवर, या आउटपुट ट्रांसफार्मर जो
स्पार्किंग करते हैं कभी कभी, तब उससे भी ओवर लोड हो जाता है, जिससे ट्रिप मार जाता है, बैक लाइट ट्रिप मार जाती है। तो इसको देखने के लिए सबसे पहले अपन बेसिक सबसे अच्छा तरीका ये है, ये जो आईसी है, क्या आईसी बताइए इसको, F 970 F, ये आईसी है। इस आईसी के वोल्टेज मेजरमेंट करेंगे और इस खराबी अधिकांशतः यहीं से होती है। इसमें खराबी कहाँ से होती है, CFL ख़राब होगी तब भी बैक लाइट नहीं आएगी, डिस्टर्ब करेगी, या ड्राइवर ट्रांसफार्मर है, इधर देखा ये ड्राइवर ट्रांसफार्मर है, इससे भी डिस्टर्ब होता है, वोल्टेज आते हुए चले जाते हैं। और लास्ट में ये है आउटपुट ट्रांसफार्मर, यदि आउटपुट ट्रांसफार्मर शॉर्ट हो जाते हैं किसी भी प्रकार से, तब भी यही फॉल्ट बनता है, पर इसमें ऐसा कुछ नहीं हुआ है। इसमें फॉल्ट जो है अपना इस ऑसिलेटर से, यहाँ से ये फॉल्ट बन रहा है, यहाँ से फॉल्ट क्या बन रहा है,